आज का प्रेरणा पाते स्वास्थ्य परीक्षा, जब तक सांसा जब तक आशा। हमारा परम मित्र श्वास है, वो श्वास को देखना, आते जाते श्वास को ज्ञाता दृष्टा भाव से बिना राग द्वेष के मात्र जो है उसको देखना जानना हम करते हैं तो हमारा श्वास परीक्षा हो जाती है। ऐसे किया जाता है, सबसे पहले कायोत्सर किया जाता है, कायोत्सर के अंदर आंखें बंद की जाती है, ध्यान मुद्रा होती है और रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा खड़ा जाता है, फिर श्वास को लंबा खींचिए और लंबा जो है निकालिए, जो निकालने को और खींचने को एक श्वास कहलाता है। श्वास धीरे धीरे इसको लंबा कीजिए, लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए और अनुभव कीजिए कि लंबा गहरा समतल श्वास आ रहा है जा रहा है। जब इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी तो लंबाई बढ़ने के साथ करती है, नॉर्मल व्यक्ति जो है वो 16 सांस टेंशन फ्री 16 सांस लेता है, लेकिन जो है वो धीरे धीरे अगर श्वास परीक्षा का प्रयोग करता है तो वो 16 से घट करके 14 12 तक जो है वो श्वास की संख्या आ जाती है। और जब वो श्वास की संख्या 16 से घटती है तो व्यक्ति समभाव में चला जाता है, यानी वो क्रोध अहंकार अनैतिकता के कार्य नहीं कर सकता। तो श्वास परीक्षा एक बहुत पावरफुल जो है हमारा प्रयोग है और धीरे धीरे हम 10-20% नॉर्मल से श्वास को लंबा कर देंगे, यानी श्वास की संख्या 16 से घटा के 12-10-8 तक ले जाएंगे तो हम एक बहुत अच्छे साधक बन सकते हैं। और ऐसा करने से हमारा जो क्रोध मान माया लोभ है शांत हो जाएगा और हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, हम दृष्टि विज्ञान में रहेंगे, हम रियल पुरुषार्थ में रहेंगे और हमारा विकास होता रहेगा।